जय परशुराम महादेव। मसाला सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। मंगलवार चौराहे खड़ा हुआ हूँ यार। अरे कालो रीजन। हाँ। यो। नीमच और निम्बाड़ा का हाईवे मिलता है और ये डुंगला। बसे आगे। खुजली आ गई। खुजली। जो जो इसे स्नान करेगा उसके सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। 14 दिन हो गए डुंगरपुर से उदयपुर सफर करते जा रहा हूँ। ये सफरनामा लंबा चलेगा ऐसा लगता है मुझे। पहले भी मुझे पीछे की सीट मिली थी और बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। जब गाड़ी उछलती है ना तो साला सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। चलने से जब मैं यहाँ आकर बैठा तो इन्होंने बोला मुझे कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। वीडियो कितने टाइम से देख रहा हूँ? मंगलवार चौराहे खड़ा हुआ हूँ यार। आज तो इतना सफ़र हो गया कि डूंगरपुर से बैठा सुबह 6 बजे के आसपास, तो ट्रैफिक में फंसा तो पहुँचा करीबन 9:30 बजे के आसपास। वहाँ से पकड़ी मंगलवार की गाड़ी, जा रहा है नीमच निम्बाड़ा 40 और 65 किलोमीटर, और इस तरफ डुंगरा, ये डुंगरा जा रहा है। हाईवे से बिल्कुल पहले तो लिंक था, पर अब वो लिंक आउट हो गया क्योंकि मेन हाईवे वहाँ निकल जाता है, आगे जाके हाईवे मिल जाता है। तो ये नीमच और निम्बाड़ा का हाईवे मिलता है और ये डुंगला। फतेहनगर, इस तरफ फतेहनगर रोड है और इस तरफ किरकी चौकी। उदयपुर से आ रहे हैं तो 50-55 किलोमीटर किरकी चौकी आने के बाद आपको लेफ्ट मार लेना है। वो कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए, या गांव के अंदर से जाना पड़ता है। था कहाँ और कहाँ चले गए, सब उसकी कृपा है। हम आ गए बाबा के दरबार में, ढूंढिया नीलकंठ महादेव। महादेव बम बम बोले। मेरे पीछे देख रहे हैं आप सीन कितना प्यारा। ये पानी के बीच में मंदिर, तो पानी के बिल्कुल तट पर है सट के, और हवन वेदी जो है वो पानी के बीच में है। कुछ समय पहले यहाँ पर पानी नहीं था, पर अब क्या है, यहाँ बारिश के बाद ये सीन ही अलग हो गया है। मैं आपको बताता हूँ इसकी मान्यता किस तरह से है, क्या मान्यता रखता है नीलकंठ महादेव।
पानी के बीच में है बनाया हुआ, और वहाँ पर भी मंदिर है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, वो पानी में डूब चुका है, बारिश गिरी ना इसमें, पानी में डूब चुका है। प्रसादी होती रहती है, तो बहुत बड़ा हॉल भी है, मतलब ओपन हॉल है, तो करीबन 1,500 लोग बैठ कर के खाना खा सकते हैं, प्रसादी ले सकते हैं, प्रसादी है। और यहाँ की मान्यता बताऊँ, चर्म रोग, खुजली हो रही है या फिर फोड़े फुंसियाँ निकल गए हैं या फिर उसको स्किन की प्रॉब्लम है, तो इस पानी से अगर वो नहा लेगा तो चर्म रोग दूर होने हो जाता है, ऐसा नीलकंठ महादेव की ऐसी मान्यता है। जय बाबा भोलेनाथ। और चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं, और अभी पानी भर चुका है तो इतना प्यारा लग रहा है। मैं आपको ओपन हॉल की तरफ ले जाता हूँ, वो पानी है, और ये मंदिर कैंपस में कुंड बना हुआ है, कुंड बना हुआ वही पानी आता है। ये देखें पानी फुल है, फुल पानी। चमन पामला भैया, या यो बातु को हजा यो बेटो उसे हां न ऋषि आराध्य दे बोल रहा खा लो। अच्छा जो खा लो रीजे तो हां यो खा रो। हां न चर्म रोग सही था। हां यो अंडो बाप कुछ भी मिशा। हां हां कोल। हां इजड़े। अच्छा मतलब मसा भी सही था है, मसा भी भी हम भी सही था। मस मस मजे भाई ना 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 मजे नहीं उठे। हां जी। अच्छा ये भी सही वीजा जाता है। सात कुंड है, ये सात कुंड है यहाँ पे, सात कुंड, सात समुद्र के अलग अलग कुंड है यहाँ पे, सात कुंड। हाँ सात समुद्र से आए, सात समुद्र से आए। जमुना सागर पाचू आयो ये ऋषा हराव जीते दिखाई। यहाँ पे सात समुद्र है, और ये अलग से और आ गया बिना बिना निमंत्रण के। अच्छा बिना निमंत्रण के आ गया था, तो इसका पानी खारा रह गया। ये सात शिवलिंग भी है ना? नहीं इसमें सात ही कुंड उसमें। अच्छा उसमें सात कुंड है, और सात ही कुंड वहाँ है। अच्छा उस तरफ है। हाँ। वो पानी आ गया इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ। एक बासा से पूछा मैंने थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, तो उनको सुनाई कम देता है, पर हम जोर जोर से बोल करके पूछ रहे थे, और अंदर हिस्ट्री लिखी भी हुई है, मैं आपको पढ़ करके भी बता देता हूँ, क्योंकि वो मेवाड़ी में बोल रहे थे ना, इसलिए मेरी फैमिली कोई मेवाड़ी समझे या ना समझे, इसलिए मैं हिंदी में भी एक बार हिस्ट्री को बोल दूंगा। पर उनकी इधर जो है सात कुंड है, और वो पानी में अभी भर गया पानी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, पर सात कुंड है, सात समंदर से, मान्यता है कि सात समंदर से पानी लाया गया था यहाँ पर। और ये जो कुंड है उसका पानी खारा है, तो ये इतना बड़ा देखो ओपन स्पेस है, ढका हुआ है, लंबा ओपन हॉल है, मतलब 400-500 लोग तो एक बार में बैठ ही जाएंगे यहाँ पर और खा सकते हैं। सीन बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा सीन है। बाबा ने बुलाया दर्शन करने थे हमें, तो हमें सावरिया सेठ नहीं जा करके हम ढूंढिया महादेव आ गए। सब आशीर्वाद है बाबा का। मैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ, एक सिनेमेटिक शॉट दे देता हूँ, सबसे पहले आप इस हॉल को देख लो, फिर मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। परशुराम, जय परशुराम महादेव, परशुराम महादेव। Thank you.
इसके बारे में बताया है पूरा, आप उसको पोस्ट करके देख लीजिएगा। फिर भी मैं इतिहास के बारे में बता देता हूँ आपको। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सप्तऋषि, सात ऋषियों को बताया है यहाँ पर। फिर नीचे लिखा है सतयुग में राजा मांदाता, सतयुग में राजा मांदाता ने यहाँ नीलकंठ महादेव के स्थान पर सप्त ऋषियों द्वारा यज्ञ कराया। राजा मांदाता ने भूमिदान देने लगे, मतलब राजा मांदाता भूमिदान देने लगे, तब ऋषियों ने मना कर दिया। फिर मांदाता ने धोखे से पान के बदले में 52,000 बीघा भूमिदान दे दिया। ऋषियों की आकाश में सुख रही धोतियां गिरने से ऋषि क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि जा राजा, सातवां दिन उदय होते ही पाखान यानी पत्थर का हो जाएगा। राजा सातवें दिन ओंकारेश्वर जाते ही पाखान यानी कि पत्थर के हो गए। फिर यहां से ज्योत ले जाकर ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मांदाता मंदिर आज भी बना हुआ है, आज भी यहाँ नीलकंठ महादेव के शिवरात्रि पर अभिषेक के लिए नर्मदा नदी का जल ओंकारेश्वर से आता है। ये पूरी हिस्ट्री है, कुछ लिखा गया है हिस्ट्री का और यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया भी गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। जय बम बम बोले, जय परशुराम महादेव। कहते हैं उसको, इसको सांप की बांधी होते हैं। तो इसमें सांप रहता है क्या? कोई भी यानी सोमवार होता है उसके दिन यहाँ से सांप निकलते हैं। अच्छा, और क्या है, और क्या मान्यता है? इसकी यह मान्यता है कि यह पुराने जमानों में राजा थे, राजा हाँ। महाराजा हाँ। उन्होंने बनाया था और जो शिव जी का नाग होता है ना हाँ हाँ। इनके अंदर प्रवेश किया था। अच्छा, आपको तो बड़ी नॉलेज है इसमें, किसने बताया आपको? ये तो हमारे दादाजी ने। अच्छा, यह है संस्कृति, यह संस्कृति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे भी मालूम नहीं था सांप की बांबी, मैंने इनको लिया। क्या नाम है बेटा आपका? हरीश ने बताया ये संस्कृति, और इस संस्कृति को बस आगे बढ़ाना है, बस हमेशा ऐसे से ध्यान रखना सब चीजें, ठीक है? जो भी दादा कहते हैं उस सारी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि तुम YouTube पे आने वाले हो, ठीक है?